ये आप देख सकते हैं तकरीबन एक हफ़्ता हो गया यहाँ पर अताबाद लेक पर। ठीक है, ये हो गया अताबाद लेक। तो इस साइड से, इस नाले से सैलाब आया था, तो ये काफ़ी सारे, ये देख सकते हैं ये पूरा एरिया कवर करके सैलाब आया था। तो अभी इस साइड पे देखिए, इस साइड पे अभी मिट्टी डाल रहे हैं एक्सेलेटर से, तो काफ़ी सैलाब आया था। और ये जो पुल है, पुल तो चाइना ने बनाया था, इस वजह से कुछ नहीं हुआ। अगर पाकिस्तान का कोई ठेकेदार होता तो अल्लाह खैर करे। तो ये देख सकते हैं आप, ये जो नीचे जो आपको नज़र आ रहे तार, ये खम्बे का तार है, ये वाले खम्बा, दो तीन खम्बा भी यहाँ पर गिर गया था। तो कल परसों आके इंतज़ामिया ने बनाया है, लेकिन अभी ठीक नहीं हुआ है। अभी पहले पानी इस तरफ से थे, इधर से पानी आ रहे थे, अभी पूरा इसका रुख चेंज हो गया, ऊपर से पूरा ये पूरा जो पत्थर है सैलाब लेके आया। तो अभी भी यहाँ पे तो पानी आते हैं, तो पानी पाँव फिसल रहे नीचे, तो अभी भी ये इतना सेफ नहीं है। अभी मैं ऊपर जा रहा हूँ, ऊपर जाके देखूँगा कितना नुकसान हुआ है। नुकसान होने वाली कोई बात तो नहीं है, लेकिन फिर भी ऊपर जाके देखते हैं। लेकिन एक हफ़्ता हो गया इस सैलाब का आए हुए। ठीक है, अभी मैं आ रहा हूँ। तो आजकल हर जगह पर लैंडस्लाइडिंग हो रहा है, तो इधर जाके देखते हैं। देखिए पत्थर, देखिए कितने बड़े बड़े पत्थर से लेके आए हैं इधर से आगे। इस साइड पे गया था, लेकिन उधर से फिर उसका रुख चेंज करके इधर गया था, नहीं तो उधर मसला होना था। अच्छा है कि आने का, क्योंकि यहाँ पर ग्लेशियर नज़दीक है, तो इस वजह से सैलाब आने के ज़्यादा चांसेस हैं। यहाँ पर गिलगित में, हुंजे में, कहीं भी जाओ आपको ग्लेशियर बहुत नज़दीक नज़र आएगा। तो यहाँ पर बिल्कुल मैं आपको दिखाता हूँ, ये देख सकते हैं ये ग्लेशियर है, इतना नज़दीक है। इस वजह से ना, जब ज़्यादा धूप निकलते हैं तो सैलाब आते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अपने भाई को इजाज़त दें, और जितना हो सके मुझे सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।